हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे, जिनकी लास्ट डेट है 18 नवंबर 2022 और जिन्होंने नेट, जेआरएफ, एसी एग्जाम्स क्वालिफाई की है और सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसकी एप्लीकेशन फीस है 800। और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इसी एक वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस एवरीडे देखिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देनी है। बिकॉज इन एवरी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं। पहला तो होता है कि पेपर वन और पेपर टू। एंड पेपर वन सभी के लिए कॉमन होता है एंड इट इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, और पेपर टू सब्जेक्ट के लिए होता है। ओके, एंड पेपर वन के लिए मोस्टली 50% मार्क्स होते हैं, और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में 50% मार्क्स पा लेते हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो इस कंप्लीट कोर्स के मदद से आप 50% क्वालिफाइंग मार्क्स पा सकते हैं। ओके, बिकॉज हम इसमें वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियोरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 एमसीक्यूज, तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज टोटल कवर हो जाते हैं। ओके, और इसमें ऐसे एमसीक्यूज है जो मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो अगर आपके पास 50 एमसीक्यूज है इन द एंट्रेंस एग्जाम तो इसी में से ही 40 एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं। हम आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ये सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपकी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। और ये सारी चीजें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कंप्लीट कोर्स की वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स पा ही लोगे, बट आपको इंटरव्यू सेक्शन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो आप एक ही बार अगर इस कंप्लीट कोर्स को परचेस कर लोगे तो आप किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वेबसाइट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाता। ओके, और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी भी है, और इसके पीएचडी एडमिशन के नोटिस आ गए हैं। और जब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एडमिशन और एग्जामिनेशन नोटिस ऐसे लिखा है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके, यहाँ पे ऐसे, और इसकी जो ये लिंक है ये भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की है, तो आप वहां पे जाके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। ओके, सो इन दिस आप देख सकते हो कि जैसे कि आप नीचे आओगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के बारे में लिखा है। ओके, तो जब आप यहाँ पे ऐसे एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास नया विंडो खुल जाएगा एंड दिस इज द विंडो, और यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन के बारे में सब लिखा है, मतलब आप पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी इन इकोनॉमिक्स 2023 ऐसा नोटिफिकेशन लिखा है। ओके, तो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन आया था 4 नवंबर को, और मैं आज इसका वीडियो बना रही हूँ, और इसका लास्ट डेट है 2 दिसंबर, तो आप 2 दिसंबर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसके जो एग्जामिनेशन है फॉर द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो है 5 दिसंबर को, और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे 8 दिसंबर को, और इसका जो एसओपी है जो आपको सबमिट करना है टू द यूनिवर्सिटी वो आप 9 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हो, और इसका जो इंटरव्यू है वो है 13 और 14 दिसंबर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स डाउनलोड करके इसको अगर आपको भरना है तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो। ओके, और इस वेबसाइट की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। तो जैसे ही आप नीचे जाते हो तो आपको एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर दिखेगा, तो यहाँ पे ये रिटर्न एग्जामिनेशन है ऑफ बिटवीन 2 आवर्स ड्यूरेशन, और यहाँ पे आपको टोटल 35 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कि 70 मार्क्स के होंगे, और
ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा फॉर 30 मार्क्स, और इसका जो सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक थियरी आएगी आपको, इट इज़ फॉर 40 मार्क्स, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स आएगा वो फॉर 30 मार्क्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स फॉर 30 मार्क्स, और ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने आपको सिलेबस भी प्रोवाइड किया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हम रिसर्च मेथडोलॉजी पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे इधर दिया है कि इंडियन इकोनॉमिक्स आर रिसर्च बेस्ड ऐसे टाइप। तो अगर आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में कुछ भी अगर पढ़ाई करनी है, जानना है, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स है आपके पास और आपको उसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। और जो कैंडिडेट्स एससी एसटी ओबीसी या फिर डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज से है, उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 50% मार्क्स उनको चाहिए इन देयर मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। ओके, और जिन कैंडिडेट्स ने नेट सेट एमफिल ऐसी कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक की हो, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है, मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यहाँ की नहीं देनी है। आप डायरेक्टली इंटरव्यू सेक्शन में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ओके, और द नेक्स्ट इज दैट कि अगर आपने आपने इनमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए, यानी कि नेट सेट एमफिल, ओके तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू सेक्शन में भाग ले सकते हो, और आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी सबमिट करना है, जिसका जो विच शुड नॉट बी एक्सीडिंग 1000 वर्ड्स। ओके, सो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थी। ओके, और ये सारी इंफॉर्मेशन थी, राइट? सो स्टूडेंट्स, मैं बैक टू उसी वेबसाइट पे आई जहाँ पे मैं पहली थी। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे जहाँ पे लिखा है कि फॉर्म्स एंड डाउनलोड पीएचडी, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऐसा आया कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी और डीएससी। तो यहाँ पे अगर हमको पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्म फॉर पीएचडी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। ओके, सो दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाता और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, सो दिस इज द फॉर्म और इसको आपको फिलअप करना है, एंड वेबसाइट वर्जन प्राइस ₹50 ऐसा यहाँ पे लिखा है, और इस फॉर्म को फिलअप करके आपको यूनिवर्सिटी को भेजना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी, वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और इसके भी पीएचडी एडमिशन्स के नोटिफिकेशंस आए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्लिक हियर टू व्यू ऑल न्यूज़ एंड इवेंट्स, तो आपके पास नया विंडो खुल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आया है कि नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन्स टू पीएचडी प्रोग्राम। ओके, सो यहाँ पे और एक नोटिफिकेशन है, यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास नया विंडो ओपन हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द न्यू विंडो जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पीएचडी एडमिशंस। ओके, पीएचडी एडमिशंस। सो स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास नया विंडो खुल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि नोटिफिकेशन के बारे में लिखा है कि जिन्होंने यूजीसी सीएसआर नेट जेआरएफ या फिर टीचर फेलोशिप होल्डर डीएसटी इंस्पायर फेलो गेट जी पैट इनमें से कोई भी एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई की है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, और एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ही कर सकते हो फ्रॉम 11 नवंबर टू 18 नवंबर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है स्केड्यूल जहाँ पे लिखा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 18 नवंबर तक फिलअप कर सकते हो, आपका इंटरव्यू 28 से 30 नवंबर तक हो जाएगा, और एडमिशन लिस्ट आपको 5 दिसंबर तक मिल जाएगी, और आपको जो फी भरनी है ऑनलाइन मोड से वो आप 7 दिसंबर तक फिलअप कर सकते हो, मतलब पे कर सकते हो, और फाइनल एडमिशन लिस्ट 9 दिसंबर पर लग जाएगी, और डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी टू थ्रू ऑनलाइन मोड होगी 12 टू 13 दिसंबर। तो ये है उसका स्केड्यूल, और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क है 180 डेज का आपका कोर्स वर्क होगा, और आपका कोर्स वर्क 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
ओके, सो दीज आर द फीस जनरल कैटेगरी के लिए 800 फीस, फॉर एससी बीसी और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है वो है 200 फीस ऑफ हरियाणा, एंड अदर्स के लिए है 800 फीस. ओके, सो स्टूडेंट्स ये है लिस्ट ऑफ वैकेंसीज और वैकेंट सीट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे सब्जेक्ट्स है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक साइंस, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन आप देख सकते हो कि एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, और कोर्स ड्यूरेशन ये है कि 6 मंथ्स. ओके, और यहाँ पे प्रोग्राम नेम भी लिखा है और फैकल्टी नेम भी है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे मेंशन किए हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो में हमने बहुत सारे नोटिफिकेशंस के ये देखे कि कौन से डिटेल है विद इन द नोटिफिकेशन अबाउट पीएचडी. तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देनी है और उनको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक भी करना है. तो मैं आपको फिर से शॉर्ट बता दूं कि हम इस कंप्लीट कोर्स में क्या प्रोवाइड करते हैं. हम लोग फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं. हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है और ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. तो इसी में आपके 400 MCQs कवर होते हैं. हम 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिविजन PDF प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको. और ये सारी चीज़ें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आपको पीएचडी कोर्स वर्क कंप्लीट करने में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा. ओके, बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो हर पीएचडी कोर्स में आता ही है. तो जैसे कि हमने देखा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाता है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर ज्यादातर सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है. बट स्टिल जब आप पीएचडी के लिए एडमिशन लोगे तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की पढ़ाई वैसी भी करनी ही पड़ेगी. तो आप इस कोर्स को परचेस कर लेते हो तो आप एटलीस्ट वीडियो लेक्चर्स मतलब थियरी देखकर नोट्स देखकर आप पढ़ सकते हो. तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि आप पीएचडी कोर्स वर्क भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सको. ओके, और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि अगर आपको दूसरे किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को देना है और उसको क्वालिफाई करना है तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. ओके, एंड स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. ओके.